कार साथियों सुप्रभात, मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र सिंह शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल भैया जी एडुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं 29 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों उसी महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं दोस्तों अपने महत्वपूर्ण प्रश्न का। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व बल्लेबाज जॉन एंड्रिक का निधन हो गया है? तो दोस्तों ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। अब बात हो रही है दोस्तों इंग्लैंड की, तो यहाँ की राजधानी है दोस्तों कहाँ पर? लंदन। और इसका जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। और दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश ने कार्बन मुक्त होने, हरित व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए हरित व्यापार योजना का को अपनाया है? तो दोस्तों कौन सी योजना अपनाई है? हरित व्यापार योजना अपनाई है। किस देश ने अपनाई है दोस्तों? ये अपनाई है जापान ने। किसने अपनाई है? जापान ने। अब दोस्तों बात हो रही है जापान के बारे में, तो जान लेते हैं इसके बारे में। या इसकी जो राजधानी वो है टोक्यो, और इसकी जो करेंसी मुद्रा है वो है येन। और दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं योशिहिदे सुगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में झटपट प्रोसेसिंग नामक पहल किसने शुरू की है? तो दोस्तों कौन सी प्रोसेसिंग पहल है की झटपट प्रोसेसिंग पहल? ठीक है दोस्तों, अब इसे शुरू किया है किसने? नीति आयोग ने। किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने। बात हो रही है किसकी? नीति आयोग की। तो दोस्तों नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 जनवरी 2015 को। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, यानी कि भारत का जो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है वो इस आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। और दोस्तों इस अभी इसी हाल ही में किसने, नीति आयोग ने एक और योजना यानी कि एक और नई योजना का गठन किया है या पहल की है। तो दोस्तों कौन सी है? शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सी? शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए एक पैनल का गठन किया है। किसने किया? नीति आयोग ने। तो दोस्तों इसके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा था जिसे मैंने इसी में सम्मिलित कर दिया है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा है, तो दोस्तों आपको लाइक कर दीजिए अपने मित्रों में, और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये कौन सी सरकार ने की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है? स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। अब दोस्तों बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो थोड़ी मैं इसके बारे में जान लेती हैं दोस्तों। ये हमारे भारत का कौन सा 26वां जिला है? सॉरी राज्य, जिला नहीं है, राज्य दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब? 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो राजधानी है वो है नया रायपुर अटल नगर। ठीक है दोस्तों, नया रायपुर अटल नगर। दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा नगर है या शहर बोल लें वो है रायपुर। और दोस्तों इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं अनुसुईया उइके। और दोस्तों यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासी दास नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, ये नेशनल पार्क हैं। यहाँ के लोकगीत उनके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। लोकगीत के बारे में हैं पंडवानी भरथरी चंदैनी ढोला मारू ददरिया और बांसगीत। दोस्तों यहाँ के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में, ये लोकगीत थे, आप जानते हैं इनके लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य हैं सुगा, राउत नाचा, कर्मा, ककसार और गैर नृत्य। दोस्तों एक यहाँ पर एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कि आदिवासी लोगों का है। कौन सी? बैगा आदिवासी लोग कब करते हैं इसको? जब बारात में किसका स्वागत किया जाता है? बारात का स्वागत किया जाता है, विवाह वगैरह में बारात का स्वागत किया जाता है, तब इस नृत्य को किया जाता है जिसका नाम है परघोनी नृत्य। कौन सा? परघोनी नृत्य। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लायर 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रम की सूची में
कौन सीट्स पर रहा है? तो दोस्तों इसमें सीट्स पर रहा है NTPC। कौन रहा है? NTPC। अब बात हो रही है दोस्तों NTPC के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। कब हुई थी? 7 नवंबर 1975। और दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी जो CEO वो हैं गुरदीप सिंह। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों यहां पर कौन सा? मंडी जिला शीर्ष पर रहा है, जो कि कहां का है? हिमाचल प्रदेश का एक ये जिला है मंडी जिला, जो कि इसमें शीर्ष पर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये कहां, इसकी जो जिला अधिकारी है वो कौन है? देवेश कुमार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में IMF में शामिल होने वाला, IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है लीबिया। कौन सा? लीबिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लीबिया के बारे में, इसकी राजधानी वो है ट्रिपली। और दोस्तों यहाँ का जो सबसे बड़ा नगर है वो भी कौन सा है? ट्रिपली है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ की जो मुद्रा है वो है दीनार, और इसकी जो प्रधानमंत्री हैं वो है बगदादी महमूदी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं। हाल ही में किसने डॉक्टर रूपाचारी द्वारा लिखित कौन सी कोंकणी पुस्तक, यानी कि ये कहाँ पर बोली जाती है कोंकणी भाषा? ये गोवा में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, उस पुस्तक को लिखा है, पुस्तक का नाम है स्तुत रानी वेदनांची सूत्रा एक अनुभव का विमोचन किसने किया है? किया है तो ये किया है किसने? श्रीपद नायक ने। किसने किया है? श्रीपद नायक ने। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यहाँ पर किया है कौन सी स्वास्थ्य बीमा योजना? सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। किसका किया गया है? सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के जो गरीब परिवार के जो लोग होंगे उनके प्रत्येक परिवार में एक क्या होगा, 5 लाख रुपए का इनको स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये कब? अभी हाल ही में किया गया है, क्योंकि वहाँ पर अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव था, जिसमें BJP का बहुत ही उमदा प्रदर्शन रहा है। शायद मैंने कुछ सही से जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन वहाँ पर शायद BJP ने ही जीत हासिल की है वहाँ पर। और दोस्तों ये कब हुआ? जब से 370 हटाई है, 370 हटने के बाद में, जो धारा 370 थी उसके हटने के बाद में जम्मू कश्मीर के दो हिस्से कर दिए गए। एक जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, और जम्मू कश्मीर में इस योजना की पहल की गई है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ाने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास का अभ्यास किया है? तो दोस्तों ये किस सेना के साथ में, नौसेना के साथ में किया गया है? ये वियतनाम की नौसेना के साथ किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है वियतनाम की, तो देख लेते हैं इसकी जो राजधानी है वो है हनोई। और दोस्तों यहाँ का सबसे बड़ा नगर वो है हो ची मिन। और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वो है दोंग, वियतनामी दोंग। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ग्यूएन तन जुंग। और दोस्तों यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डुएन फू त्रोंग। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो किसको दी है? धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। और दोस्तों ये किस राज्य सरकार ने दी है? ये दी है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो निकल के आ रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ की स्थापना हुई थी इस राज्य की कब? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो राजधानी है वो है भोपाल। आप लोग जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कौन सा है? भोजताल। ठीक है दोस्तों, भोपाल जहाँ पर है भोजताल। चलते हैं दोस्तों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और वन विहार,
इंदिरा प्रिया दर्शनी पेंच और दोस्तों संजय मंडला प्लांट फॉर्मेल नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, और यहाँ का सबसे बड़ा यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इंदौर। और दोस्तों ये साफ सफाई के मामले में भी भारत में टॉप पर आया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में, ठीक है, सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा, यानी कि किस किया जाएगा, किसका, सिख गुरुओं का जो इतिहास है वो शामिल किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य की स्कूल पाठ्यक्रम में, ठीक है दोस्तों, सिख गुरुओं का जो है इतिहास है वो शामिल किया जाएगा, वो कहा है किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब दोस्तों बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों इसकी जो क्या है राजधानी है दोस्तों वो कौन सी है, नवाबों के शहर लखनऊ। कौन सा है? नवाबों का जो शहर है, ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, लखनऊ कहते हैं। और दोस्तों लखनऊ गोमती नदी किनारे पर बसा हुआ, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, आप लोग बार बार भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है दोस्तों, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों चलते हैं, आप देख लेते हैं इसके जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा, और दोस्तों यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस, और राजकीय पुष्प पलाश, और दोस्तों राजकीय वृक्ष है अशोक। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में प्रयागराज में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों प्रयागराज ये भी उत्तर प्रदेश में से ही, उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर क्या हुआ था कि एक गैस का रिसाव हुआ था, जिस गैस में काफ़ी लोग बीमार हो गए थे और दो या तीन लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? यहाँ पर अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, जिसका क्या NH रासायनिक NH3, इसका रासायनिक जो सिंबल है वो है NH3। ठीक है दोस्तों, ये गैस कैसी है? ये तीक्ष्ण गंध वाली, रंगहीन और वायु से हल्की गैस है, ठीक है दोस्तों, और ये पानी में बहुत जल्दी ही घुल जाती है, और इस जो पानी में घुल जाती है दोस्तों वो कैसी क्षारीय रहती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ये गैस किस जगह पर रिसाव हुआ था, इसका उसके रिसाव हुआ था किस में, IFFCO में। कहाँ पर हुआ था? IFFCO पर, ठीक है दोस्तों, इसमें इस गैस का रिसाव हुआ था इलाहाबाद में। ये IFFCO का जो भवन है वहाँ पर इसका रिसाव हुआ था। अब दोस्तों इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड। यहाँ पर क्या हुआ था? इस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों। इसकी स्थापना कब की गई है दोस्तों? इसकी स्थापना की गई है 3 नवंबर 1967 को। कब की गई? 1967 में। कब की गई? 1967 में। और दोस्तों इसकी जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं बलविंदर, कौन है, बलविंदर सिंह नकई, बलविंदर सिंह नकई। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधुवीर, कौन सी INS सिंधुवीर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो दोस्तों कौन से देश ने किया है? ये किया है म्यांमार ने। म्यांमार ने क्या किया कि भारत की जो पनडुब्बी है INS सिंधुवीर, भारत ने उसको अपनी किराए पर दे दी और उसने अपने उसमें क्या कर लिया है, बेड़े में शामिल कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब जब बेड़े में शामिल हो गई है तो बात होने लगी है किसके बारे में, भारत से रिलेटेड कर गई है, कौन सी बात, म्यांमार की बात। तो म्यांमार के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों, म्यांमार इसकी जो राजधानी है वो है नेपिदा, मुद्रा है दोस्तों कियात, कियाट, कौन सी, कियाट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ की जो सबसे बड़ा नगर है म्यांमार का, जो सबसे बड़ा नगर है वो है यांगून या रंगून, कौन सा, यांगून या रंगून, ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है यू विन मिंट, कौन है, यू विन मिंट। और दोस्तों यहाँ के जो राजकीय सलाहकार हैं या राज्य सलाहकार हैं वो कौन है, आन सान सू की, आन सान सू की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में दशक के ICC ODI टीम के लिए किस खिलाड़ी को कप्तान के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों इसमें नामित किया गया है किसको,
महेंद्र सिंह धोनी को, यानी कि MS धोनी। अब दोस्तों बात हो रही है किसकी, ICC की। तो दोस्तों इससे क्या, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, दुबई में है दोस्तों। इसका इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1909 में हुई थी दोस्तों, और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग वॉर्कले, जो अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है, ग्रेग वॉर्कले हैं दोस्तों। और इसके जो CEO हैं वो हैं मनु साहनी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं जो कल का जो प्रश्न था उसका आंसर को देख लेते हैं। अगला प्रश्न तो यहीं पर समाप्त हो चुका है दोस्तों, आप देख लेते हैं कल का जो प्रश्न था उसके आंसर को। तो कल मैंने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक साल में, तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 20 दिसंबर को। अब दोस्तों आज का प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं, जाइए दोस्तों कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।